Hello and welcome back to my channel. So today we will discuss about John Galsworthy biography and important facts. Let's start. So first of all, John Galsworthy का जन्म August 14, 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड यूके में हुआ था। ये 20th सेंचुरी के एक पोएट ड्रामेटिस्ट हैं। इनकी डेथ January 31, 1933 को 65 ईयर्स की एज में हो गई थी, जहां पर ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इंग्लैंड में। इनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो इनको अवार्ड्स मिले उसमें नोबेल प्राइज जो 1932 में इनको मिला था। इनके पेरेंट्स जॉन गाल्सवर्थी एंड ब्लेंच बेली हैं। ओके, बायोग्राफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो उनके फादर एक सॉलिसिटर थे। उनकी एजुकेशन हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी। गाल्सवर्दी को 1890 में बार कहा गया था, उन्हें पुकारा जाता था, क्योंकि उन्होंने मरीन लॉ जो था उसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन प्राप्त था, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी। ठीक है, इसी दौरान उन्हें जोसेफ कॉनरेड मिले थे, ठीक है, जो उनके मर्चेंट शिप मेट बने थे, मींस उनके फ्रेंड वो बन गए थे और वो वहां से लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बने रहे। ओके, सो उनके स्पाउस में एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर आती है, ठीक है, जिससे उन्होंने शादी कर ली थी। वो उनके जो कजन थे उनकी वाइफ थी, ठीक है, उनके कजन की वाइफ होने की वजह से उनके कजन की वाइफ थी, ठीक है। उनका जो अफेयर था वो 1895 में शुरू हुआ था, इससे पहले वो उनके कजन को डाइवोर्स दे चुकी थी। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो उनकी स्पाउस थी वो एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर थी, जो कि वाइफ थी उनके कजन की, ठीक है। उनके कजन का नाम मेजर आर्थर कूपर था। ओके, तो डाइवोर्स के 10 ईयर्स बाद उन्होंने उनसे शादी की थी, ठीक है। ऑक्यूपेशन 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे, ठीक है। ऑनर्स, उन्हें कौन कौन से ऑनर्स मिले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ओम भी इसे बोल सकते हैं, 1929 में इनको मिला था, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है, ठीक है। 1932 में नोबेल प्राइज उनको मिला इन लिटरेचर में, ठीक है। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेड ऑनरेरी डिग्री ऑन हिम, मीन्स उन्होंने बहुत सारी ऑनरेरी डिग्रीज उन्होंने प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी से। सेंट एंड्रयूज की 1922 में, मैनचेस्टर 1927 में, 1929 में डबलिन, ठीक है, 1930 में कैम्ब्रिज, 1930 में ही शेफील्ड की डिग्री, एंड 1935 में ऑक्सफोर्ड एज अ रोमन लेक्चरर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में वो एज अ रोमन लेक्चरर की उन्हें जो ऑनरेरी डिग्री है वो मिली थी। 1931 में प्रिंसटन की उनको उपाधि मिली थी। ओके, उनका जो जन्म हुआ वो विद अ सिल्वर स्पून हुआ, मींस वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर जॉन गाल्सवर्दी एक सॉलिसिटर मींस एक लॉयर थे, ठीक है। 1881 से लेकर 1886 तक उन्होंने हैरो स्कूल अटेंड किया, ठीक है, और वहां पर वो अपनी नेक्स्ट स्टडी के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में चले गए, ठीक है। 1899 में उन्हें लिंकन्स इन बार के नाम से जाना जाता था, लिंकन्स इन पर बार के नाम से जाना जाता था। 1891 में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मीन्स वो वर्ल्ड में घूमते रहे 2 ईयर्स तक, लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सीज के उन्होंने टूर किए। ओके, 1895 में उनका जो अफेयर था वो एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से हो गया था, जो जिसे उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी, जो उनके कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी, ठीक है। 10 ईयर्स बाद उन्होंने उनसे शादी की थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 23 सितंबर 1905 को उन्होंने शादी की थी। 1897 में उन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आता है, जो उनका फर्स्ट वर्क था ना, फ्रॉम द फोर विंड्स, वो उनके पैन नॉम जॉन पेन नेम जॉन सिंट जॉन से के नाम से आया, ठीक है। पहले उन्होंने अपना दूसरा नाम से वर्क पब्लिश कराए थे, ये एक फेलियर साबित हुआ, जिसको इन्होंने माई फर्स्ट सिन भी बोला था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फ्रॉम द फोर, ये जो वर्क था इनका फ्रॉम द फोर विंड्स, ये एक शॉर्ट स्टोरीज वर्क था, ठीक है, जिसको इन्होंने अपने पेन नेम जॉन सिंट जॉन के नाम से पब्लिश कराया था, ठीक है, और इसको बाद में इन्होंने माई फर्स्ट सिन भी बोला था, ठीक है। जॉन सिंट जॉन यानी कि स्यूडोनिम आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जो उनके स्टार्टिंग वाले नॉवेल्स थे
उन्होंने अपने स्यूडोनिम जॉन सिंट जॉन से ही करवाए थे, ठीक है, जॉन सिंट जॉन नाम से उन्होंने पब्लिश करवाए थे। 1899 में फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल जॉसलीन आया, जिसको उन्होंने जॉन सिंट जॉन के नाम से ही पब्लिश कराया था। 1904 में उन्होंने अपने इस नाम को बाय बाय बॉल दिया, ठीक है, जो उनका पेन नेम था, और अपने रियल नेम से उन्होंने राइटिंग करनी शुरू की, ठीक है। तो द आइलैंड फेरिजेस जो उनका वर्क आया, उनका फर्स्ट वर्क था, ठीक है, जो उनके नाम से ही आया था और जो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था, इसने उन्हें बहुत ज्यादा सफलता भी दिलवाई थी, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। 1906 में उन्हें अपनी रियल सक्सेस से उनकी मुलाकात हुई, मींस उन्हें द सिल्वर बॉक्स से नई पहचान मिली, ठीक है। बाद में जो उनके सक्सेसफुल नॉवल थे लाइक द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया, ठीक है, जिसको उन्होंने पब्लिश कराया, और द फोर साइड सागा में उन्होंने उस नॉवल को द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को पब्लिश कराया, ठीक है। 1910 में उन्होंने एक प्ले पब्लिश कराया जस्टिस, ठीक है, जो जिसकी जो थीम थी वो पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस से रिलेटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग एक आउटब्रेक हुआ, उस टाइम वो फाइट करने के लायक नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने घर से ही एज अ डिसेबल्ड सोल्जर्स की तरह से काम किया। 1916 में उन्होंने एक टूर किया ऑफ द स्लॉटर हाउस का इंग्लैंड में, जहां पे उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स पर हो रहे अत्याचार और उनकी बलि के खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन वहां पर चलाया था, ठीक है। उन्होंने 1917 में नाइटहुड की उपाधि को मना कर दिया था, जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने ऑफर की थी, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया था कि राइटिंग तो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है, तो उन्होंने इस उपाधि को नकार दिया था, बट प्राइम मिनिस्टर ने एट द एंड उनका नाम अनाउंस कर दिया था ऑन 1 जनवरी 1918 को शिकागो डेली ट्रिब्यून लंदन में, वेडनेसडे जनवरी 2 1918 में, मींस वहां के न्यूज़पेपर में उन्होंने उनका नाम अनाउंस कर दिया था, तो फिर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था अपनी उपाधि को, किसको, नाइट हुड की उपाधि को, ठीक है। उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन बनाया गया, ओके। एक इंटरनेशनल बॉडी होती है पेन, पॉइट्स, प्ले राइट्स, एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट, जो कि 1921 में उनको बनाया गया था, ठीक है, और जहां पर उन्हें उपाधि मिली थी ऑर्डर ऑफ मेरिट की, यानी कि ओम की, इन 1929 में, ओके। 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए। ब्रेन ट्यूमर के उनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में, ठीक है, उनकी जो एशेस थी, उनकी विश के अकॉर्डिंग उनको जो उनकी एशेस थी उनको हवा में स्कैटर्ड किया गया, यानी कि हवा में फैलाया गया। उन्होंने विश मांगी थी कि जो मेरी एशेस होगी उसको इस तरह से स्कैटर्ड करना है विंड के थ्रू, ठीक है। तो गालसवर्दी की एक यूनिक हैबिट थी कि उन्होंने अपने ओल्ड नॉवल को न्यू प्ले में चेंज किया था, ठीक है, कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको शिफ्ट किया था और डायलॉग को वो सब्स्टिट्यूट करते रहते थे नैरेटिव्स के द्वारा। तो जो उनका नॉवल था आइलैंड फेरिजेस 1904, वो दोबारा से पीजन प्ले में री अपियर्ड हुआ था, यानी कि उन्होंने आइलैंड फेरिजेस को ही 1904 में जो प्ले आया था उसी को ही, नॉवल जो आया था उसी को ही द पीजन में दिखाया, उन्हीं घटनाक्रम को उन्होंने उसमें दिखाया, ठीक है। द फोर साइड सागा 1922 में आई थी, जिसने मिडिल क्लास फैमिली से डील किया, यानी कि विक्टोरियन सोसाइटी को इसमें उन्होंने उनके साथ डील किया था। उन्होंने फिक्शन लिखे, ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, मीन्स ये भी जो पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना कि जो राइट वो फिक्शन लिखते थे वो मॉर्निंग में और ड्रामा आफ्टरनून में लिखते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गालसवर्दी, बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ठीक है, ये उनकी फेमस कॉट है जो इन्होंने फ्रॉम द फोर विंड्स, जब उनका पहला वर्क आया था, फर्स्ट वर्क जो उन्होंने अपने स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश कराया था, वो जो शॉर्ट स्टोरीज उनकी आई थी फ्रॉम द फोर विंड्स, उसके फेलियर के ड्यूरिंग उन्होंने ये कोट बोली थी कि बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, कि मुझ पे एहसान कर दो, इसे जला दो और मुझ पर एहसान कर दो। उन्होंने थ्री ट्रायलॉजी लिखी, जिसमें फर्स्ट ट्रायलॉजी में आती है द फोर साइड सागा, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि एक नॉवल था 1906 में आया था, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918 में, जो कि उनका एक मास्टरपीस साबित हुआ, ये एक इंटरल्यूड था, इन चांसरी 1920 एक नॉवल था, एंड अवेकनिंग 1920 ये भी एक इंटरल्यूड था, एंड देन टू लैट जो कि 1921 में आया था। सेकेंड ट्रायोलॉजी की बात करते हैं, गालसवर्दी ने फोरसाइट सागा के ही सीक्वल बनाया था,
तो सेकंड ट्रायलॉजी में आते हैं अमोजन कॉमेडी, जो कि 1924 से लेकर 1928 तक चली, ठीक है। इसमें उन्होंने नॉवल लिखा द वाइट मंकी 1924 में। उसके बाद एक इंटरल्यूड आया अ साइलेंट विंग 1927 में, नेक्स्ट सेकंड नॉवल जो सिल्वर स्पून था, और उसके साथ एक इंटरल्यूड पासर बाय, थर्ड नॉवल जो कि एक स्वान सॉन्ग था, ठीक है। थर्ड जो ट्रायलॉजी थी उसके ड्यूरिंग उन्होंने एंड ऑफ द चैप्टर, मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस और ओवर द रिवर जैसे वर्क लिखे, ठीक है, जो उनके 1931 से 1933 की ड्यूरिंग आए थे। ओके, सो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनका। जो द डार्क फ्लावर था वो एक लव नॉवल था, ये जो डार्क फ्लावर था ये 1913 में आया था और इसको लव नॉवल भी माना जाता है, ठीक है। हिंदी ऑथर जो प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने उनके वर्क कुछ वर्क ट्रांसलेट किए, लाइक द सिल्वर बॉक्स एज चांदी की डिबिया, जो मुंशी प्रेमचंद की चांदी की डिबिया थी वो सिल्वर बॉक्स पर थी, स्ट्राइप एज हड़ताल, जस्टिस एज न्याय, गर्ल्स वर्दी बिलोंग्स टू रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। ये टीजीटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि जो गर्ल्स वर्दी हैं वो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो से बिलोंग करते थे। ओके, मॉडर्न एरा के पॉइट थे, नॉवलिस्ट थे, 1901 से जो 1945 तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को एडवर्डन पीरियड भी बोला जाता है, यानी कि 1901 से 1914 तक का जो ये पीरियड है इसको एडवर्डन एडवर्डियन पीरियड भी बोला जाता है। उनके कंटेम्प्रेरी में आते हैं एच जी वेल्स और रुडयार्ड किपलिंग। आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। आप चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।